नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,208 पे और ये लास्ट डे की क्लोजिंग से लगभग 216 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस में जाके इसने क्लोज़ किया है। और इसने लास्ट डे के ना तो लो को ब्रेक किया है ना ही लास्ट डे के हाई को ब्रेक किया था। इसके पहले वाले दिन भी देखेंगे तो ना इसने लास्ट डे के हाई को ब्रेक किया है और ना ही इसने लास्ट डे के लो को ब्रेक किया है। तो कंटिन्यू ये दूसरा दिन है जो ये इनसाइड कैंडल के अंदर में ये इनसाइड कैंडल बनाते हुए चल रहा है। और ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह की कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बैंक निफ्टी पर नज़र बना के रखिएगा। देखिए, ऊपर की साइड में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारे पास जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पे 43,622 का, ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। और नीचे की साइड में देखेंगे तो 42,900 का ये हमारे पास एक सपोर्ट है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास हम कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेड करके हमने 43,000 का ब्रेकआउट दिया था। तो कंटिन्यू 43,000 के ऊपर, जैसा कि कल मैंने बताया था कल की वीडियो में कि हमने 42,986 के आसपास क्लोजिंग दी थी जो कि इस कैंडल ने दी थी, तो उसी तरीके लेवल के आसपास में हमने यहां पे क्लोजिंग दी थी। और आज हमने वहां पे 216 पॉइंट ऊपर जाके यहां पे 208 के आसपास हमने क्लोजिंग दी है। तो ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस नजर बना के रखिएगा कि 43,622 अगर इस रेंज के ऊपर ये क्लोज करना स्टार्ट करता है तो टारगेट इसका हो जाएगा 43,988 और 44,222, ये टारगेट यहां पे निकल के आएंगे अगर हम इसके ऊपर क्लोज करते हैं। अगर हम इसके नीचे क्लोज करते हैं तो हमारे पास टारगेट निकल के आएगा 42,500 और उसके बाद 42,122 का ये टारगेट यहां पे निकल के आएंगे अगर हमने नीचे की साइड में क्लोज किया। जब तक इसके बीच में ट्रेड कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कीजिएगा। देखिए, ऑप्शन में बड़ा पैसा ना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के पास ही बनता है, यानी मार्केट जब ब्रेकडाउन करता है तब, या मार्केट जब ब्रेकडाउन करेगा तो वहाँ पे क्या होता है, मोमेंटम बहुत फास्ट होता है और 250-300-400 पॉइंट मार्केट बहुत तेज़ी से खींचता है। तो वहाँ पर आप नज़र बना के रखिएगा, हर दिन सेम क्वान्टिटी सेम अमाउंट ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए। क्वांटिटी जब ब्रेकआउट होता है तो क्वांटिटी हम नॉर्मल क्वांटिटी से थोड़ी सी ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं डेली 50 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ तो अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं वहाँ पे 100 क्वांटिटी ट्रेड करूँगा। मान लीजिए डेली मैं 50 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट रेंज के अंदर में फंस गया है तो शायद मैं 25 क्वांटिटी ट्रेड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है। तो जहाँ पे क्लियरिटी नहीं होगी क्वांटिटी कम रहेगी, जहाँ पे मुझे क्लियरिटी मिलेगी मैं क्वांटिटी अपनी नॉर्मल क्वांटिटी से थोड़ी सी ज़्यादा ट्रेड करूँगा। ये ध्यान रखिएगा, मार्केट नॉर्मल मूव कर रहा है तो क्वांटिटी भी मेरी नॉर्मल यहाँ पे चलती रहेगी। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोदा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, लायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब तो 15 मिनट के चार्ट पे ना मुझे बहुत अच्छा चार्ट लग रहा है, 15 मिनट का चार्ट मुझे बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे चीज़ों को जरा ध्यान से देखिएगा 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट का चार्ट पे यहाँ पे देखिए, हमने 30 को एक हाई लगाया लगभग 420 या 412 के आसपास का, उसके बाद फिर हमने ये आज हाई लगाया और यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे ना तो बहुत अच्छा ये रेजिस्टेंस लेके बिल्कुल ट्रेंड लाइन के आसपास ही बैंक निफ्टी क्लोज है। और अगर ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन हम ड्रा करेंगे तो भी ये एक ट्रेंड लाइन के पास में, यहाँ पर प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन ही आप लोग को बनाता हूँ जिससे आप लोग को चीज़ें क्लियर कट थोड़ी सी समझ में आएंगी। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ जिससे मुझे ट्रेंड लाइन प्रॉपर तरीके से दिखेगी ड्रा करते वक्त। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसका कलर मैं ब्लू यहाँ पे ले लिया। नीचे की साइड में अगर ट्रेंड लाइन मैं एक ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से मैं ये ट्रेंड लाइन लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कलर को रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी करता है ना तो हमें एक मोमेंटम मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इनसाइड कैंडल के अंदर में ही अगर ट्रेड कर रहा है तो मोमेंट आपको छोटी मिलेगी और क्वांटिटी हमें कम ट्रेड करना है। जैसे अब इनसाइड कैंडल, पहली इनसाइड कैंडल कहाँ पर बनी, 30 वाली, अब 30 वाली इनसाइड कैंडल के अंदर में आज की फिर से एक इनसाइड कैंडल बन गई। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको और जूम करूँ जिससे आप लोग को थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाली कैंडल, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू हम इसके नीचे से आ रहे हैं तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो 600 वाला लेवल है, ये लेवल पहला हमारे लिए रेजिस्टेंस है जो हम 400 के आसपास हमने यहाँ पे बनाया था। जैसे हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे,
ये वाली ट्रेंड लाइन को जैसे हम ब्रेक करेंगे तो हमारा टारगेट, पहला टारगेट ये 400 के आसपास का यहाँ पे रहेगा। तो मान लीजिए कल अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है और इसी जोन में ओपन होने के बाद में 43,311 यानी 43,311 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो मेरा पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 43,411 का, सेकंड टारगेट मेरा रहेगा 43,555 का और थर्ड मेरा टारगेट रहेगा 43,622 के आसपास का। ये तीन टारगेट मैं कल देखूंगा कब, जब इस ट्रेंड लाइन के अंदर में मार्केट ओपन होता है, इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये ऊपर की साइड में यहाँ पे ब्रेकआउट करता है 43,311 के ऊपर। ध्यान रखिए अगर यहाँ पे एक 5 मिनट की कैंडल इसके अंदर बन गई उसके बाद ये ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे ट्रेड करने में मजा आएगा। और जैसे ही इस रेंज को ये निकालेगा, ये जो रेंज है ना, जैसे ही मार्केट इस रेंज को निकालेगा मार्केट में एक फास्ट मूवमेंट होगी, ये नज़र बना के रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये स्विंग हाई है, जैसे ही स्विंग हाई के ऊपर निकलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एसएल कटेंगे और उसके बाद जैसे हम इस हाई को निकालेंगे, इस हाई को निकालने के बाद और यहाँ पे एसएल कटने स्टार्ट हो जाएंगे तो मार्केट तेज़ी से 500 की तरफ यहाँ पे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हमें नज़र बना के रखनी होगी। दूसरी कंडीशन है कि मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होने के बाद में 5-10 मिनट के बाद में अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, यानी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट यहाँ पे हो सकता है 42,000। पहले मैं इसको निकाल देता हूँ। हाँ, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन में आके इस रेंज को ब्रेक करेगा, ध्यान रखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने से, ट्रेंड लाइन के बाद ये जो लो लगा है ना, इस लो को ब्रेक करने दीजिएगा। जैसे मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट का टारगेट यहाँ पे हो जाएगा 42,950 का पहला टारगेट, फिर सेकेंड टारगेट होगा 42,822 का और सेकंड टारगेट यहाँ पे होगा 43,700 का। तो ये तीन टारगेट आपको नीचे की साइड में ओपन हो जाते हैं। देखिए टारगेट का मतलब होता है कि पहले के बाद किस तरीके से ट्रेड करता है, अगर पहले के नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड करने लगता है तो हम पहले के ऊपर का एसएल लगा के पोजीशन में बने रहते हैं। लेकिन ट्रेड आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, लेकिन वो भी कब, जब ये 5-7 मिनट इसी रेंज में ट्रेड करे। देखिए शुरुआत में ब्रेक कर दे तो मत लीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा फिर हमें ये सपोर्ट का काम करेगा, हो सके पहली कैंडल इसी लेवल के आसपास आ जाए और यहाँ पे जाके आप ले रहे हो तो ट्रैप हो जाओगे। तो अगर इसी रेंज में ओपन होता है और ओपन होने के बाद में इस रेंज को 5-10 मिनट के बाद ब्रेक डाउन करता है तब हम पहला टारगेट हमारा ये हो सकता है यहाँ पे 42,950 से 980 के बीच में यहाँ पे पहला टारगेट, दूसरा टारगेट यहाँ पे 42,822 का होगा और थर्ड टारगेट यहाँ पे 42,700 का होगा। अब मान लीजिए किसी कारणवश मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ही ओपन हो जाए, गैप डाउन कहाँ पे ओपन हो जाए, ये 43,000 के आसपास, अगर 43,000 के आसपास गैप डाउन यहाँ पे मार्केट मिले तो यहाँ पे वेट कीजिएगा थोड़ी देर वेट करने। अगर रेंज बना दे, रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट वापस हमारे डे हाई के आसपास, जो ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। और अगर पहली कैंडल कोई हैमर कैंडल अगर बन जाती है तो फिर तो मैं सोचूंगा ही नहीं, पहली दूसरी या तीसरी कैंडल अगर कोई हैमर कैंडल बनती है तो मैं इसी हैमर का, जो हैमर बनेगी, पहली बन गई तो पहली, अगर तीसरी बन गई तो जैसे ही तीसरी के ऊपर निकलेगा मैं इसको ले लूँगा और जो तीसरी वाले का ही लो है वही मेरा यहाँ पे एसएल रहेगा। तो यहां पे हमें नजर बना के रखनी पड़ेगी अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो। गैप अप में अगर 600 के आसपास ओपन हो गया तो ध्यान रखिएगा वहां पे आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। 600 के पास अगर गैप अप ओपन होता है तो वहां पे हम प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे और प्राइस एक्शन जिस तरीके से मूव करेगा उसी तरीके से हम यहां पे मूवमेंट बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा गैप अप ओपन होने के बाद में ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे अगर इसने कोई रेंज बना दी, और रेंज बनाने के बाद अगर रेंज को ब्रेक कर दिया तो फिर ये हाई इसके लिए इंट्राडे के लिए एसएल का काम करेगा। तो यहां पे नजर बना के रखिएगा, फिर ये हाई जो होगा वो रेजिस्टेंस का भी यहां पे काम करेगा। तो अगर रेंज बनाने के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये एसएल लगा के आप इसको सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। पहला टारगेट आपको 400-420 के आसपास और सेकंड टारगेट जो होगा वो 300 के आसपास का मिल सकता है। लेकिन कब, जब हम 600 के आसपास ओपन होंगे और 600 के पास में 600 और 500 के बीच में ये रेंज बनाने लगते हैं और जैसे ही रेंज को ब्रेक करेगा तब, और रेंज बनाने में थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट का यहाँ पे टाइम बिताने दीजिएगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे हम यहाँ पे ट्रेड, क्योंकि गैप अप ओपन होने के बाद तुरंत इमीडिएट ट्रेड हमें नहीं लेना है। लेकिन गैप डाउन ओपन हो तो 43,000 के पास अगर कोई कैंडल, अच्छी कैंडल मिल गई हैमर कैंडल, तो फिर आप वहीं पर बाइंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। दोस्तों अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं बहुत सारे बैंक निफ्टी के चार्ट, इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूँ, अपनी एनालिसिस पोस्ट करते रहता हूँ एजुकेशन पर्पज़ से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, लायन ब्लू, फायर, एसबीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।